कैसे क्लास लेने वाले हैं, ठीक है जी। सबसे पहले तो गाइस ये जान लीजिए कि हम लोग पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करेंगे कि वेयर वी आर और हमें कहाँ पर रीच करना है। आई हैव 8 ईयर एक्सपीरियंस इन द स्ट्रक्चर इंजीनियर्स, तो आई एम प्रिटी श्योर कि जो मैं आपको कंटेंट पढ़ाने वाला हूँ इस 4 मंथ में गाइस, दैट इज 100% सफिशियंट फॉर एनी एमएनसीज। किसी भी एमएनसी में जाएंगे, जितना मैं आपको टॉपिक पढ़ा देने वाला हूँ इस 4 मंथ में, 100% क्वेश्चन वहीं से आएंगे, इसकी लगभग लगभग पूरी गारंटी लेता हूँ। 100 नहीं तो 80% क्वेश्चंस तो मतलब होना ही होना है, उसमें तो कोई दोरा ही नहीं हो सकता। 80% क्वेश्चंस व्हाट दे कैन बी आस्क्ड वी नो वेरी वेल, तो वी विल गोइंग टू कवर दैट आल्सो। सेकंड, ठीक गाइस, इसमें जो लोग पीछे हो पाएंगे, ठीक है, मैं तो गारंटी ले रहा हूँ कि आपको मैं, अगर आप साथ में रहे 4 महीने तो एकदम एक्सपर्ट बन जाओगे। जो पीछे होंगे वो कौन पीछे होंगे गाइस, जो कंसिस्टेंट नहीं होंगे, जो अपनी अटेंडेंस को मेंटेन नहीं करेंगे, ठीक है। स्वाभाविक सी बात है, इफ यू नॉट मेंटेन योर अटेंडेंस तो फिर आपको प्रॉब्लम जाएगी। अदरवाइज इस 4 मंथ में जितना आपको देने वाला हूँ दैट इज 100% सफिशियंट। इस 4 मंथ में गाइस हम लोग स्टैट पढ़ेंगे। पहले हम लोग कैसे पढ़ेंगे एक बार स्टेप बता देता हूँ, आपके भी कई ढेर सारे डाउट्स होंगे वो भी क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑटो कैड पढ़ेंगे। ऑटो कैड के साथ ही साथ इंजीनियरिंग ड्राइंग के कंटूर है, कॉलम का ओरिएंटेशन, बीम का डेप्थ, ये सारी चीजें ऑटो कैड के साथ पढ़ लेंगे, ठीक है जी। स्ट्रक्चरल ड्राइंग, आर्टिकल ड्राइंग, समेशन ड्राइंग, चेकलिस्ट, ठीक है, वर्किंग ड्राइंग, ये सारी चीजें हम लोग ऑटो कैड के साथ पढ़ लेंगे। देन विल मूव ऑन द स्टैट प्रो, और स्टैट प्रो में विंड एनालिसिस, सेस्मिक एनालिसिस, और शियर वॉल, रिटेनिंग वॉल्स, स्टील के कॉन्सेप्ट, IS 800, IS 456, ये सारी चीजें हम लोग स्टैट प्रो के साथ ही सीख लेंगे। देन विल मूव ऑन RCDC। RCDC में हम लोग रिपोर्ट क्रिएट करना सीखेंगे कि कैसे स्ट्रक्चरल ड्राइंग की रिपोर्ट सबमिट करते हैं क्लाइंट को, वो करेंगे। देन विल गो फॉर द नेक्स्ट सॉफ्टवेयर दैट इज कॉल्ड ईटैब्स। ईटैब्स में हम लोग हाई रेज बिल्डिंग की एनालिसिस करेंगे, G+10, G+5, G+8, G+20, ये सब करेंगे। साथ ही साथ गए हम लोग स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट को डेप्थ में समझेंगे, जैसे कि मोड शेप क्या होता है, डायनेमिक एनालिसिस क्या होता है, उसमें रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस, पुश और एनालिसिस, पी डेल्टा इफेक्ट्स, ये सब क्या होते हैं, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे अपने ईटैब्स के साथ। सॉरी, इसके बाद हम लोग जाएंगे गाइस सेफ सॉफ्टवेयर में, ठीक है। सेफ सॉफ्टवेयर में जाएंगे तो सेफ सॉफ्टवेयर में आपको क्या मिलेगा, सेफ सॉफ्टवेयर में हम लोग फुटिंग और डिजाइन प्रॉपर करेंगे। फुटिंग के डिजाइन के साथ साथ हम लोग उसके अंदर जैसे कि आपका स्लैब की डिजाइन करेंगे, 1 बेस स्लैब, 2 बेस स्लैब, फ्लैट स्लैब, ये सब करेंगे। देन उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे गाइस, रेविट सॉफ्टवेयर में जाएंगे, रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर। थोड़ा सा मेरा गला खराब है तो आवाज थोड़ा मैनेज कर लेना। तो रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर, रेविट एस्टिमेशन, ये सब सीखेंगे। फिर लास्ट में हम लोग मैनुअल और एक्सेल कंप्लीट करके इस पूरे 4 महीने की जर्नी को कंप्लीट करेंगे। ये तो रहा गाइस एक पार्ट जो कि सॉफ्टवेयर कवर के साथ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। एक्टिविटी क्या क्या रहेंगी, हम लोग हर मंडे को या फिर हर फ्राइडे को या फिर किसी भी दिन, एक हफ्ते में एक दिन आपका मॉक इंटरव्यू होगा, जो इंटरव्यू आपको अपना माइक कैमरा करके प्रॉपर प्रोफेशनल वे में देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छी बात यह है कि उस इंटरव्यू में वही चीजें पूछी जाएंगी जो या तो मैं क्लास में पढ़ा दूंगा या फिर जिस चीज का मैं आपको स्टडी मटेरियल दे दूंगा, ठीक है। बस वहीं से आउट ऑफ द बॉक्स कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है। तो ऐसा सोचना नहीं है कि यार पता नहीं कैसा पूछ लेंगे मॉक में। मॉक में वही पढ़ेंगे जो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि आपके बेसिक सिविल इंजीनियरिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको लगभग रेगुलर बेसिस पर मैं आपके ग्रुप के अंदर ही बेसिक सिविल इंजीनियरिंग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके करके देता रहूंगा। उससे क्या होगा, एक में कॉलम के टाइप पढ़ लिया, एक में बीम का टाइप पढ़ लिया, एक में स्लैब के टाइप पढ़ लिया, एक में डेंसिटी पढ़ लिया, मिक्स प्रोपोर्शन पढ़ लिया, ये सारे टॉपिक साथ ही साथ कवर करते रहेंगे, छोटे छोटे जितने टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, पूरा का पूरा बेसिक सिविल इंजीनियरिंग के साथ मॉक इंटरव्यू होगा। और लगभग 15 से 20 दिन पर आपका एक कैट टेस्ट होगा, जिसमें आपको एक स्पेसिफिक ड्राइंग मिलेगी, टाइम पीरियड मिलेगा, यू नीड टू फिनिश दैट ऑन दैट टाइम पीरियड ओनली, ठीक है जी। तो क्या होगा कि उस टाइम पीरियड के अंदर आपको उस ड्राइंग को कंप्लीट करना है, इट्स कॉल्ड कैट टेस्ट, ठीक। एंड लास्ट एपिसोड जो आपका रहेगा वो रहेगा, एक रेटेड टेस्ट भी रहता है गाइस इसके अंदर, जैसे कि शियर फोर्स निकालना है, बेंडिंग मोमेंट निकालना है, या फिर फुटिंग का मैनुअल डिजाइन करना पड़ सकता है, बता के रखा जाएगा कि लगभग इसमें से कुछ आएगा, तो उसको भी आप मैनुअली कैमरा ऑन करके टेस्ट देंगे और उसको सबमिट करेंगे।
जस्ट मिनट का, मैं थोड़ा पानी पीता हूँ, थोड़ा गला गड़बड़ लग रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पूरी की पूरी स्ट्रक्चरल ट्रेनिंग करेंगे, और जितनी भी आईएएस कोड है उनके जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स, इंपॉर्टेंट क्लॉज है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। मींस पूरा स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग हम लोग का बेसिक्स टू एडवांस रहेगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको एक प्रॉमिस करना है कि आप अपने जो अटेंडेंस है उसको 80% प्लस मैनेज करेंगे, ठीक है। तो आप प्रॉमिस करिए कि आप 80% प्लस, कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं, आपको 80% प्लस अपने अटेंडेंस को मेंटेन करना है, ठीक है। क्योंकि बिना अटेंडेंस के इसमें कुछ हो नहीं सकता। मैं तो अपने तरह से पूरी रेडी हूँ पूरी तरीके से। आपको क्या करना है कि आपको 80%, 85%, 90% प्लस अपना अटेंडेंस मेंटेन कर लेंगे अगर, तो 100% श्योर समझिए कि मेरे तरफ से आपको लगभग लगभग सब कुछ ही कवर हो जाने वाला है, ठीक। अब आज तो हम लोग का इंट्रोडक्शन है, तो अभी मैं आपके बारे में जानूंगा, आपके एक्सपीरियंस के बारे में जानूंगा, क्योंकि गाइस ये पूरी कस्टमाइज ट्रेनिंग है, ठीक है। कस्टमाइज इन द सेंस कि आपको एग्जैक्टली कहाँ पर आप वीक हैं उस चीज पर भी वर्क कराया जाएगा, आपके मौके भी यहाँ पर, आपका एक अच्छा सा पोर्टफोलियो, एक अच्छा सा रिज्यूम, एक अच्छा सा कवर लेटर, कैसे बनाना है, कैसे अप्लाई करना है, और कैसे टेलीफोन इंटरव्यू देना है, ये सारी चीजें भी इसी ट्रेनिंग में आपके इंक्लूड रहेंगी, ठीक है। तो मजा बहुत आने वाला है, उसका तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग तो चैलेंज का ही जॉब है, तो इसमें चैलेंज बहुत रहता है, तो आप इंजॉय बहुत करेंगे। अपनी जो क्लासेस होंगी गाइस, ये गूगल मीट पे नहीं होंगी, ये जस्ट अभी एक दिन के लिए हमने कर दिया है, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पर होगी वो प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन करने में कुछ लोगों को टेक्निकली कभी कभी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और मंडे टू फ्राइडे अपनी क्लास होगी, कभी कुछ छूट गया इन केस किसी रीजन से, तो सैटरडे संडे में उस चीज को कवर अप कर लेंगे, ठीक है। नाउ फ्रॉम वन हम लोग एक करके एक छोटा सा आप लोग अपना इंट्रोडक्शन देंगे। फ्रॉम दैट इंट्रोडक्शन आई वांट टू चेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स आल्सो, एंड नो नॉट लाइक बिग इंट्रोडक्शन, जस्ट स्मॉल इंट्रोडक्शन, योर नेम, योर कॉलेज पास आउट ईयर, एंड इफ यू हैव एनी एक्सपीरियंस यू कैन मेंशन दैट आल्सो। फ्रॉम देयर आई जस्ट वांट टू चेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स, बिकॉज इफ यू गो फॉर एनी इंटरव्यू, इवन फॉर द मॉक इंटरव्यू, दैट विल बी गोइंग ऑन इंग्लिश। क्या हमारी इतनी कि हम लोग आंसर कर सकते हैं अच्छे तरीके से, अपने इंटरव्यू को अटेंड कर पाएंगे क्या? दैट आई जस्ट वांट टू चेक फ्रॉम योर साइड, सो दैट कि हम लोग आगे उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। अगेन आफ्टर दैट इफ यू हैव एनी क्वेरीज विल सॉल्व दैट क्वेरीज आल्सो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टेक द शॉर्ट इंट्रोडक्शन, लाइक सपोज वर्स साइज देयर जो इज देयर, यू कैन जस्ट से कि माय नेम इज दिस, आई कंप्लीटेड माय डिग्री फ्रॉम माय डिग्री इन दिस ईयर, एंड लाइक आई हैव दिस दिस एक्सपीरियंस, और आई एम फ्रेशर, दैट्स इट। एक शॉर्ट से इंट्रोडक्शन आपको देना है, सो दैट फ्रॉम दैट इंट्रोडक्शन आई कैन जस्ट कि आपकी कम्युनिकेशन लेवल कहाँ पर है, प्लस हाउ मच हार्ड वर्क यू नीड टू डू, ठीक है। हो सकता है इसमें से कुछ लोगों को गाइस ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, वो हम आइडेंटिफाई करके आपको रिमार्क कर देंगे कि आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकता है, जैसे कि किसी का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, ठीक है। नाउ दे हैव अ गुड सैलरी डेफिनेटली, ठीक है। अगेन इफ दे वॉन्ट टू मूव देयर कैरियर्स, तो एट दैट टाइम दे नीड टू डू एक्स्ट्रा वर्क, ठीक है। जैसे आप सभी करेंगे, उनसे थोड़ा सा उसको ज्यादा करना पड़ेगा, क्या ज्यादा करना पड़ेगा वो हम गाइड कर देंगे, उसका टेंशन नहीं है, ठीक है। तो हम आपको पर्सनल कस्टमाइज तरीके से किसी भी दिन कस्टमाइज करके सैटरडे संडे को बता देंगे, आप कर लीजिएगा, ये हमारी गारंटी है कि आप अच्छे से किए तो 2 महीने के बाद आपको रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे आएगा वो पूरा मैजिक जो है वो आने वाले दिनों में आप देखेंगे, ठीक है। तो जस्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ गाइस, जिससे कि आपको भी पता रहे कि हम लोग बहुत अच्छी चीज करने चल रहे हैं इस 4 मंथ में। पहले हम लोग ऑटो कैड के एकदम बेसिक से चलेंगे, इतना बेसिक कि आपको लगेगा यार सर तो बहुत आसान चीजें बता रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ बेसिक भी ना छोड़े। फिर उसके बाद धीरे धीरे लेवल ऐसा बढ़ाएंगे आपको लगेगा ये तो बड़ा मुश्किल हो रहा है बनाना, ठीक है। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, वी आर गोइंग टू कवर दैट इंट्रोडक्शन अबाउट योर एक्सपीरियंस, अबाउट योर कॉलेज, दैट इज इनफ, ठीक है। बस इतना सा बताना है कि माय नेम इज सपोज जस्ट प्रवीर इज देयर, तो प्रवीर कम, तो माय नेम इज प्रवीर कुमार, एंड आई पास आउट इन 2020 जो भी आपका ईयर है फ्रॉम दिस कॉलेज, एंड लाइक आई हैव दिस मच एक्सपीरियंस, इफ यू नॉट यू कैन जस्ट से आई एम फ्रेशर, ओके। लेट्स स्टार्ट बाय अल्फाबेट, तो वेलकम विथ मिस्टर अज्जू। अज्जू जस्ट ऑन योर माइक प्लीज, आप लोग रेडी रहिएगा अपने अल्फाबेट वाइज, जस्ट शॉर्ट इंट्रोडक्शन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। माय नेम इज अजय कुमार राय एंड आई एम फ्रॉम ओडिशा। आई हैव कंप्लीटेड माय बैचलर्स डिग्री इन आइंस्टाइन एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज इन
2019, and then I have done my master's in DIMS University in 2022. I have not that much experience. I have only 3 months experience in site engineering. Okay, That's it. thank you so much. Now, Mr. Akash Patil. Hello, good Yes, evening, sir. good evening, Akash. Yeah, I am Akash and I am from Karnataka. I have completed my BE in 2022. Now I am working as a site engineer. It's been 1 year. So I have 1 year of site engineer experience. Okay, great. You have any software skills also? Like earlier, you see, learn any Yeah, software? I know AutoCAD only Okay, and SketchUp. great. Okay, if anyone know, guys, you can just mention that I have a basic knowledge of that, so it will be good for me. Okay, now next is Mr. Anand, and then Ashutosh. Mr. Anand, हेलो सर. hello. Yes, Anand. हेलो सर. Yes, Anand. सर माय नेम इज आनंद एंड आई एम राइट नाउ स्टडी थर्ड ईयर डिग्री थर्ड ईयर स्टडी Great, you are in इन third year, you are fresher now. Okay, very good. Which college? ओके Which college? Which college? Anand, which college means from which college you are? इन दो Okay, गवर्नमेंट कॉलेज राजकोट okay, गुजरात. okay, okay. Thank you so much. Now, next is Mr. Ashutosh. गुड इवनिंग सर. Good evening, जी. सर माय सेल्फ आशुतोष त्रिपाठी. आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश. आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम केआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज इन 2023 एंड आई एम करंटली वर्किंग एज अ साइट इंजीनियर फॉर 3 मंथ. एंड आई हैव स्किल नॉलेज ऑफ रेबिट आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर. Revit artist. Okay. Thank you so much, Dost. This was nice talk with you. थैंक यू Now, सर. okay, जी. Now, Bhagyashree. गुड इवनिंग सर. Good evening. आई एम भाग्यश्री फ्रॉम महाराष्ट्र एंड आई हैव डन माय यमी इन लास्ट ईयर एंड आई हैव नो एक्सपीरियंस. एंड डिग्री पास आउट ईयर, देयर इज एनी गैप? लास्ट ईयर यमी हुआ है सर. ओके ओके, थैंक यू सो मच. ओके, नाउ मिस्टर विपुल. विपुल, या ओके, गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग एवरीवन. लाइक आई जस्ट मेंशन एवरीवन, आई एम द ओल्डेस्ट स्टूडेंट दिस फॉर यूनिक सिविल. यस, या आई हैव गुड नॉलेज ऑफ अबाउट लॉट्स ऑफ सॉफ्टवेयर लाइक रैबिट एंड अदर थिंग. आई एम परसुइंग माय बीटेक फ्रॉम डिस्टेंस भोपाल लास्ट ईयर इन बीटेक एंड 2 ईयर प्लस वर्किंग एक्सपीरियंस. ओके, थैंक यू सो मच विपुल. ओके, या सर. नाउ दैट इज ब्रिंजल परमार. सॉरी अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंस करूं, तो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं. ओके, ब्रिंजल परमार. यस सर. हेलो सर, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. माय नेम इज ब्रिंजल परमार. आई एम फ्रॉम गुजरात. आई हैव कंप्लीटेड माय बैचलर इन 2019 फ्रॉम जीसी भरूच. आई हैव मोर देन 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन अ प्रोजेक्ट डिटेलर एंड आई हैव करेंटली ज्वाइन एज अ जूनियर डिजाइन इंजीनियर इन अ यूनिफाइड कंपनी एज अ पोस्ट एंशन फिल्म. वेरी गुड, थैंक यू सो मच. ओके, नाउ देयर इज अ सिविल इंजीनियरिंग एएसके. यार फुल नेम नेम सही कर लो, नहीं गड़बड़ हो जाएगा. सिविल इंजीनियरिंग एएसके. यस, ओके सर. यस आई एम फिरोज सर. आई एम फ्रॉम मणिपुर. सर. आई हैव मोर देन 6 इयर्स एक्सपीरियंस इन डिजाइनिंग फील्ड. राइट नाउ आई एम वर्किंग इन एनपीसीसी लिमिटेड, दैट इज सेमी गवर्नमेंट कंपनी. ओके, एंड यू सो हैव राइट नाउ आई सिक्स एम वर्किंग एज ए साइट इंजीनियर. साइट इंजीनियर. आई हैव अ 6 ईयर एक्सपीरियंस, राइट? एनी टेक्निकल स्किल्स यू हैव? अर्लियर यू लर्न एनी सॉफ्टवेयर? सर आई हैव एक्सपीरियंस इन कैसर ऑटोकैड दैट वन स्टेट प्रो ओके, एंड लिटल बिट नॉलेज अबाउट रेविट ऑल्सो. वेरी गुड, थैंक यू सो मच फिरोज. ओके, नाउ मिस्टर देवदत्त. ओके, मिस्टर देवदत्त, गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग जी. सर माय नेम इज देवदत्त श्रीवास. आई एम फ्रॉम ग्वालियर. आई कंप्लीटेड माय डुअल डिग्री इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फ्रॉम भोपाल UIT RGPP.
currently I am pursuing my job in escrow engineers in Gwalior. The company is working in a bridge. Okay. Yes, I have an experience of 3 years. Great. Completed my MTech in 2019. Thank you, Shumadev. Okay, now Devyanshu. Devyanshu Sharma. Hello, am I audible? Hello. Yes, you are. Good evening, sir. Good evening, everyone. I am Devyanshu Sharma. I have done my BTech in civil from Jaipur. Currently, I am working as a beam engineer in the beam engineer Gurgaon. And I have 1.5 year experience. Currently, I am working in Revit and also now AutoCAD Basic. Okay. And other software related to beam field. I am here to develop more structure part in knowledge, like proper structure engineering designing part. Very good. As because after my BTech, I am preparing for UPSC for 6 years. So because of that much gap, I am unable to catch up that much of technical skill, or we may say that that particularly is structural designing part. Correct. Okay. Thank you, sir. Okay. Thank you so much. Yeah. No, Goro. Mr. Goro Chandra. Good evening, sir. Good evening. My name is Goro Chandra. I have completed my bachelor in engineering in 2014, and later on pursued MTech, which was completed in year 2018. Currently, I am working as infrastructure consultant in PDCO Limited, which is a joint venture company of Rajasthan government, as a role of the PMC coordinator. Oh, okay, very good. Thank you so much. Now, Gauri. Okay, Gauri. Okay. Yes. नहीं पर्सनली नहीं बतानी जरूरत है उसमें से मुझे बस ये देखना है अभी तक तो ब्रिंजल किसी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा मुझे ठीक मुझे देखना है किसी का कम्युनिकेशन का लैकिंग तो नहीं है ठीक है जितना इंटरव्यू में लगता है ओके तो दैट वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड कि किसी का कुछ प्रॉब्लम है तो दैट वी कैन बी नो अदरवाइज सेकेंड थिंग वी कैन बी नो कि व्हाट एक्सपीरियंस यू हैव कुछ करियर गैप है क्या आपका उसको कैसे कवर अप कर सकते हैं ये भी देखना है ओके नाउ गौरी आर देयर मे बी शी इज नॉट देयर सो वेलकम विद Ghosh Mohammad. Good evening, sir. Good evening, everyone. Sir, my name is Mohammad Ghosh. I am from Karnataka. I have completed my Bachelor of Engineering in just 1 month back ago, 2024 graduate. I have basic knowledge of AutoCAD. During my college, I have done 1 month internship, which is basically was of site engineer, site, which was site. Great. Okay. Jaisri. गैस कुछ लोगों को मैं जानता हूँ पर्सनली बट मैं जानबूझ के पूछ रहा हूँ जिससे आप लोगों को भी पता चले कि हमारे बैच में कौन कौन लोग हैं ठीक है जयश्री हेलो सर गुड इवनिंग गुड इवनिंग जी माय नेम इज जयश्री शिंदे आई हैव कंप्लीटेड माय बैचलर्स इन 2K18 एंड माय मास्टर्स इन 2K23 आई हैव बेसिक नॉलेज ऑफ ऑटोकैड ओके मास्टर्स इन स्ट्रक्चर्स यस वेरी गुड ओके कनक करना कार्य दे ओके मे बी इज नॉट अवेलेबल सो वेलकम विद मेलविन यस मेलविन एम आई ऑडिबल सर या यू आर गुड इवनिंग एवरीवन माय नेम इज इंजीनियर मेलविन इक्का आई कंप्लीटेड माय बीए फ्रॉम आईएएस आईपीएस एकेडमी इंदौर एंड देन आफ्टर आई हैव कंप्लीटेड माय एमटेक इन वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग इन वीएनआईटी नागपुर एंड देन I have a gap of, I think so, from 2019 to 2022, 3 years. Then after that, I was in Rajbala structure as appointed as a site engineer. And I have experience of 2+ years. And on the later stage, I was appointed as the project manager. Okay. Thank you. Okay. Thank you, Mr. Melvin. Very good. And now, Kanak. Kanak? Good evening, sir. Myself, Kanak Dharani. I have done my BTech in 2014 from Ganpat University, Kherwa, Gujarat. And I have 3 years experience in bridge site as a site engineer. And I have 7 years experience in Taluka Panchayat, Dhanera, for development works running under 15 Finance Commission. Okay.
Okay, thank you so much, Kanak. And I have basic knowledge of AutoCAD. Okay, great. And Mujibuddin, are there? Good evening, sir. Good evening. I am Muhammad Mujibuddin. I am from Bangalore, Karnataka. I am pursuing my M.Tech in M.S. Ramaiah College, Institute of Technology. I have knowledge of AutoCAD and Starcraft. AutoCAD also. Okay, now Pankaj. Hello. Hello. Yes, Pankaj. My name is Sir Pankaj Arun Patil, and I am from Maharashtra, and I completed my B.Tech in 2022 from SHGB, CUET College, from Bhusawal, Jalgaon, and I have a basic knowledge of AutoCAD. Okay, great. Very good. Thank you. Now, Praveer. Mr. Praveer Kumar. Good evening, sir. Good evening, everyone. I am from Odisha. I have completed my B.Tech from Biju Patnaik University of Technology in year of 2014. I have 10 years of experience in US. I have basic knowledge of AutoCAD and Starcraft. Great. Thank you so much. Now, Mr. Prathmesh. Mr. Prathmesh, Good evening, sir. Good evening. Sir, my name is Prathmesh Suryarao from Kalyan, Maharashtra. I completed my B.E. in 2022 from Mumbai University, and I have 1 year of experience as a junior engineer in real estate, and I have basic knowledge of AutoCAD, and thank you, sir. Okay, thank you so much. Now, Radha is there. Hello, sir. Good evening. Good evening, Radha. I am Radha from Bangalore, Karnataka. I have done bachelor's in civil engineering in Siddhganga Institute of Technology in the year 2020. And I have done master's in structural engineering in BIT, Bangalore Institute of Technology, in the year 2022. And I have 6 months experience in offshore engineering, sir, SAG software. And I have basic knowledge in StatPro and AutoCAD. Offshore is used for the oil and gas? Yes, sir. No? Yes, sir. Okay. Thank you, Shmulada. Now, Mr. Rishabh. Mr. Rishabh is there? Okay, maybe he's not available now, so we'll come with Rianka. Rianka Chobe, are you there? Okay, take kisi koi kuch problem hai. You can be take, you can just share your detailed data. And there is a Sarwari Kale. Sorry, I'm gonna make a Yes. Good evening, sir. Good evening. I am Sarwari Kale. Okay. And I am from Ahmednagar, Maharashtra. I have completed my B.E. in 2023 from Pravara Rural Engineering College, Loni. And I am fresher, and I have basic knowledge of AutoCAD only. Very good. Thank you so much, Sarwari. Now, Mr. Sohail Khan. Hello, everyone. Hello, good evening, sir. Myself, Sohail Khan. I'm from Satara, Maharashtra. I have completed my bachelor's in the year of 2020. And from 2022 till now, I'm working as a site engineering in Satara. And I have 3 years experience as a site engineer. And also, I have a basic knowledge of AutoCAD. Very good. Thank you so much. Your pass out is 21, right? 2022, sir. 22. Now, Vaishnavi, are you there? Vaishnavi, you can just introduce yourself in short. Okay. Maybe. Yes, sir. Yes. I'm here. Yes, you are. Good evening, sir. Good evening. I am purchasing B.Tech degree in final year now. I have only AutoCAD knowledge, basic knowledge. Okay. 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 Thank okay. you. Okay, Vaishnavi. Now, Varsha. Are there Varsha Rathod? Amit, you just joined late. You can just introduce yourself in short, Amit Tripathi. And Mayur. Mayur, are you there? Hanji, good evening, sir. Good evening. Sir, I am Amit Tripathi from Ludhiana, and I am doing job in construction field as a civil engineer. Great. And I have 10 to 15 year experience in executions fields. Correct. And
in billing also next quantity estimations. Great. Okay, thank you so much. Now Mayur, you want to introduce yourself. Mayur. Good evening, sir. Good evening. My name is Mayur Bosle. I am from Kolhapur, Maharashtra. And I have a complete BTech from last year. And I am pursuing MTech in first year. Also working in a junior site engineer in Sona Infra in a railway project. Okay. And I have a basic knowledge about AutoCAD and STAT Pro. Okay. Thank you so much. Okay, thank you so much, Mayur. This was nice talk with you. Okay. तो गाइस, ये इंट्रोडक्शन करने का पर्पस क्या था और उससे क्या फुलफिल हुआ? एक तो जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस फील हुआ होगा. ठीक है वर्षा, यू वांट टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, राइट? यू कैन बी. यस सर. यस, गुड इवनिंग सर. माय नेम इज वर्षा फ्रॉम इंदौर. आई हैव कंप्लीटेड बीटेक इन 2022 फ्रॉम प्रेस्टीज कॉलेज. नाउ आई एम परस्यूइंग एमटेक फाइनल ईयर एंड आई हैव doing I am doing the estimation work now and I have also AutoCAD. Okay, thank you so much, sir. Okay. If Renka, you are available, you can be, or Rishabh, you are available, आप हैंड रेस करके भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो खुद को. ठीक है, तो गाइस पहली चीज़ तो क्या होती है, जब हम किसी के फ्रंट ऑफ पे एक अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं ना, तो उससे हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आता है. ठीक है, सेकंड चीज़ हमें ये भी पता चलता है कि यार हम कहाँ पर गड़बड़ गए. जैसे कि मुझे दो तीन लोगों का थोड़ा सा कम्युनिकेशन वीक लगा, वीक नहीं है बोल सकते, थोड़ा सा कम है. जैसे कि वैष्णवी का थोड़ा सा कम लगा मुझे, वर्षा का थोड़ा सा कम लगा, थोड़ा सा मयूर का कम लगा. ठीक है, बाकी लोग जितने लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया उससे आइडिया लगा कि हाँ आपका इंट्रोडक्शन ऐसा है कि आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबिलिटी रखते हो. ठीक है, मे बी पूरा अभी नहीं पता चलेगा, जब अभी आपका मॉक होगा तो आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि मॉक में आप ज़्यादा बोलोगे. अभी तो आपने केवल एक लाइन बोला है जिससे इतना पता चला है. गौरी, योर माइक इज ऑन, यू वांट टू से समथिंग? मैंने बंद कर दिया माइक, मे बी सी आउटसाइड. ठीक है, तो गाइस इसलिए सबसे बड़ी बेनिफिट होता है कि हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है. सेकेंड चीज़, आपने जैसे क्या कई लोगों ने बोला होगा कि गाइस मुझे ऑटो कैड आता है. ठीक है, आई एग्री कि कॉलेज में थोड़ा बहुत सीखते हैं, थोड़ा बहुत कुछ लोगों ने काम भी किया होगा, बट हम लोग जो सीखेंगे वो एकदम जीरो से सीखेंगे. जीरो इन द सेंस कि अगर आपको आता भी है तो आप एक दो दिन सोचिएगा कि ठीक है मुझे नहीं आता है, एक दो दिन में सर जब उस लेवल पहुंचे, कि मेरा जो माइंड सेट रहता है इस क्लास को करने के लिए, मुझे एकदम जीरो से स्टार्ट करना और टॉप तक जाना है. ठीक है, तो किसी को स्टार्टिंग में अगर थोड़ा बहुत आता है तो समझ जाना कि कोई बात नहीं है. ठीक है, इट इज ऑल राइट, थोड़ा बहुत आता है, धीरे धीरे हम सभी लोग उस बराबर पर आ जाएंगे जहाँ तक हमें पहुँचना है. ठीक है, सेकेंड चीज़ गाइस, ठीक है, कुछ लोग लेट आए तो उनको नहीं पता चला होगा, हमने स्टार्टिंग बताया है कि हम लोग कैसे कैसे चलेंगे क्लासेस के लिए. तो इसमें गाइस 1.5 घंटे हम लोग लाइव रहेंगे. ठीक है, 1.5 घंटे रिकॉर्डेड वर्जन में देखेंगे और 2 घंटे का आपको डेली लगभग असाइनमेंट्स मिलेगा. मीन्स इफ़ यू जस्ट स्पेंड योर 5 आवर्स, मीन्स 5 आवर्स, आप इजिली बहुत अच्छे से अपने आप को ग्रो कर सकते हो, ये बहुत आराम से, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है, लेकिन ये 5 आवर्स आपको मंडे टू फ्राइडे रेगुलर करना है. इन एनी केस आपका कुछ भी छूट जाता है तो उसको सैटरडे संडे में कवर अप कर लेना है. करने के बाद सैटरडे संडे भी क्लास लगा सकता हूँ, बट क्या होता है कभी कभी लोगों के पास हैट्रिक हो जाता है, कुछ लोग आप में से वर्किंग है तो उनको भी देखते हुए सैटरडे संडे ऑफ रखते हैं. ठीक है जी, अब मुझे एक बार जस्ट कमेंट करके बता देना गाइस कि आपके पास ऑटो कैड है या नहीं. यस और नो में जस्ट बता देना, ऑटो कैड है या नहीं. कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है तो हमारे पास लोग हैं, आपको हेल्प करेंगे कैसे इंस्टॉल करना है. यस और नो में जस्ट आप बता देना. ठीक है, देवांशु के पास है, अजय के पास नहीं है, और लोग भी कमेंट कर देना प्लीज. राधा के पास है, ठीक है, आनंद के पास नहीं है, ब्रिंजल के पास नहीं है, ठीक है, गौरव के पास नहीं है, ठीक है, अमित के पास नहीं है, ठीक है, कनक के पास नहीं है, ठीक है, प्रवीर 2010 वर्जन बहुत ओल्ड हो जाएगा, उसको अनइंस्टॉल करके नया वर्जन डाल दीजिए. 16 के बाद का कोई भी वर्जन रहेगा चलेगा, 17 चलेगा, 18 चलेगा, 19 चलेगा. ठीक है, 16 के बाद का कोई भी वर्जन आप चला सकते हैं, या फिर 16 भी रहा तो भी चलेगा. ठीक है, ठीक है, ओके. तो अभी कैसे डाउनलोड करना है मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि कैसे हमें ऑटोकैड डाउनलोड करना है. उसके बाद आप हैंड रेज करके अपने कुछ डाउट्स अगर हो तो भी पूछना, मजा आएगा क्योंकि आपके डाउट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. तो गाइस जो लोग भी अभी ऑटोकैड को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, आप तुरंत के तुरंत ही चाहे तो मैं फिलहाल ग्रेड ओ भेज दूंगा आपको लिंक. जाना है एक वेबसाइट पर,
www.getintopc.com, ठीक है, इस वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पर सर्च करना है AutoCAD 2020, क्या सर्च करना है, AutoCAD 2020, जस्ट गो पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए 2020 वर्जन आ जाएगा आपके पास, क्लिक करना है, ये लिंक आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आके आपको फिलहाल तो यहाँ पर वीडियो भी दिया है कि हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर, और यहाँ पर इंस्टॉल करने के लिए जस्ट 1.5 GB आप फटाफट लगा देंगे, डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल नहीं हुआ इन केस तो अभी आपको एक सपोर्ट नंबर भेज देंगे, ठीक है, उनसे आप सर से कॉन्टेक्ट कर लेना, अल्पेश सर है, ठीक है, तो वो आपको तुरंत ही हेल्प कर देंगे। कुल मिला के आज के आज ही आप अपने पास ऑटोकैड को रख लेना, ठीक है, आपके पास ऑटोकैड आ जाए आज के आज तो बेटर क्या रहेगा, जिससे कि कल से स्टार्ट करें जब लोग तो कुछ भी आपका ऐसा ना रहे कि यार मेरे पास ऑटोकैड तो है नहीं, मैं कैसे कवर अप करूँ, ठीक है, तो इसलिए आज आपको तुरंत के तुरंत अभी क्लास के बाद ही लिंक मिल जाएगा, उससे आप कवर कर लीजिए। अभी किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ के फिर इसको स्टॉप करेंगे, कल से हम लोग ब्रीफ में चलेंगे लाइन पे। हैंड रेज करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नाउ प्रथमेश हैंड रेज किए हैं, यस प्रथमेश यू कैन आस्क क्वेश्चन। सर एक रिक्वेस्ट था सर, क्योंकि हाँ सर, पर जॉब से आने में ना थोड़ा 7:30 बज जाता है, तो उसके लिए कुछ सॉल्यूशन है अपने पास? हाँ सॉल्यूशन है ना, देखो 7 से 7:30 जनरली असाइनमेंट्स का ही वर्क टाइम होता है, ठीक है, ओके सर। जैसे कि उस समय पर जनरली अभी कल तो मान लीजिए अभी तो स्टार्ट हुआ है तो एक दो दिन तो स्लो स्लो चलेंगे ना, तो लेकिन जब नेक्स्ट वीक मतलब यानी मंडे से जो क्लासेस चलेंगी तो उसमें 7 से 7:30 असाइनमेंट का चेकिंग का टाइम होता है, और 7:30 से 8 क्लास मतलब इंटरव्यू की प्रिपरेशन होती है, और 8 से 8:30 तक आपका डाउट होता है, ओके सर, तो आपको दिक्कत नहीं, आपको पूछने का कोई दिक्कत नहीं, चलेगा चलेगा। ओके जी, और किसी कोई डाउट है गाइस? एनी अदर डाउट इफ यू हैव यू कैन बी आस्क, आप पूछ सकते हो, ठीक है, ओके ठीक है, ये मैं मान के चलता हूँ कि आपके कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है, अगर कुछ है ठीक है, यस यस, उसके लिए आप टेंशन फ्री रहिए, आप बस अपनी कैपेबिलिटी दिखाइए, ठीक है। शायद वैभव आप लेट आए हुए हैं ना, ठीक है, अगर आप क्या बोलते हैं रेगुलर रहे क्लास में तो उसके लिए बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, कहीं पर भी इंडिया में अपनी निकलेगी। आपका एक चैनल है जॉब्स गाइड करके, अगर आपको नहीं पता तो जान जाइए, हम उस पर लगभग हर दूसरे तीसरे दिन एक एक वीडियो शेयर करता रहता हूँ कि यहाँ यहाँ ओपनिंग निकली है, कैसे उसके लिए आपको तैयारी करना है, कैसे इंटरव्यू जाएंगे, जितना मैं आपको बता दूंगा बस उतना अगर आप पढ़ लेंगे तो अभी तक में ये हम लोगों की इतनी पकड़ बन चुकी है गाइस, इसको कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोलेंगे, कॉन्फिडेंस बोलेंगे कि हमें पता होता है कि इंटरव्यूअर कहाँ से पूछ सकता है आपसे क्वेश्चंस, ठीक है, तो उसका बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। चलिए मैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अबाउट स्ट्रक्चर्स, जिससे कि आप आए हैं तो कुछ सीख लीजिए। वैसे आज इंट्रोडक्शन आज क्लास नहीं होता है, जस्ट हमें एक अवेयरनेस होती है, बट मैं चाहता हूँ कि आप आए हैं तो आप कुछ सीख के जाएं, बाकी कल से आपकी ऑटोकैड की बेसिक क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, स्टेप वाइज। किसी कुछ डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हैं फॉर नाउ, किसी और को कोई डाउट है? ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि सबके डाउट्स क्लियर हो गए हैं। आइए हम लोग थोड़ा सा समझते हैं स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का एक्चुअल काम क्या होता है और इसमें कौन कौन सी कंपनियां क्या बोलते हैं वर्क करती हैं, ठीक है। आशुतोष कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? आशुतोष यू वांट टू आस्क समथिंग? ठीक है, चलिए कुछ लोगों ने अभी ज्वाइन किया है तो हम लोग छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देखते हैं गाइस। ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो टेंशन मत लीजिएगा, आपको ये इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा जो भी अभी आप देख रहे हो, ठीक है, ओके। आइए थोड़ा सा समझते हैं स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग होती क्या है गाइस, ठीक है। और इसके हम लोग कंपनीज के बारे में भी देखेंगे कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में इस समय वर्क कर रही है, जिससे कि आप इजीली फ्यूचर में अप्लाई कर सके फॉर दैट 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 कंपनीज, ठीक है। कुछ लोग अभी प्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है, कोशिश करिएगा कल से टाइम पाएंगे तो आपको बेनिफिट रहेगा, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, सभी लोग इन हो गए ना, ठीक है। तो गाइस इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग होती क्या है अभी तक आप लोगों ने पढ़ा, एक्चुअली ये तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल, सबसे ज्यादा रेपुटेटेड और सबसे ज्यादा हाई नॉलेज की जिसको नीड पड़ती है दैट इंजीनियरिंग इज कॉल्ड स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, ठीक है। तो क्या होती स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग एंड स्ट्रक्चर इंजीनियर करते क्या क्या है एंड किस तरीके की डिजाइनिंग वो करते हैं, इसके बारे में छोटा सा समरी देखते हैं हम लोग।
तो गाइस बात करें पहले व्हाट इज स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। तो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का जो पूरा काम होता है गाइस वो मैथमेटिक्स ऑफ डिजाइन करने का काम होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर इंजीनियर्स डील्स इन द मैथमेटिक्स ऑफ द डिजाइनिंग्स। ठीक है, पूरे टाइम वो यही करते रहते हैं कि कितना ज्यादा ज्यादा उस पर लोड आएगा, कितनी डेंसिटी हो रही है मटेरियल की, लोड कैसे रिड्यूस कर सकते हैं जिससे कॉलम का साइज कम हो जाए, बीम का साइज कम हो जाए, फुटिंग का साइज कम हो जाए। तो एक स्ट्रक्चर इंजीनियर करता क्या है गाइस, एक आर्किटेक्ट और एक आर्टिस्ट के विजन को कंप्लीट करता है। एक जो भी कोई आर्किटेक्ट या फिर जो भी सिविल इंजीनियर होगा उसका कुछ ना कुछ विजन होगा कि मुझे ऐसा कुछ बनाना है। तो जो भी उसका विजन है उस विजन के अकॉर्डिंग, ठीक है, देखिए क्या बोलते हैं हम लोग, क्या है जैसे कि एक पूरी बॉडी है। ठीक है, मैं बार बार आपका बॉडी का एग्जाम्पल लूंगा क्योंकि बॉडी इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। ठीक है, बॉडी का जो लुक है वो तो आर्किटेक्चर व्यू है। ठीक है, लेकिन जो बॉडी की स्ट्रेंथ है उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो किस पर डिपेंड करेगा गाइज, उसके स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के ऊपर। तो यहाँ पर भी हम लोग लुक को मेंटेन करते हुए अपने एस्थेटिक एंड मैथमेटिक्स कैलकुलेशन को करते हुए स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग करते हैं। और हम लोग करते क्या है तो गाइज, एज अ डिजाइनर आपको क्या क्या करना पड़ सकता है, आप एक कंसल्टेंट के पास अभी जॉब करेंगे, फ्यूचर में हो सकता है आप खुद एक कंसल्टेंट हो। तो कंसल्टेंट के यहाँ पर आप जॉब करें तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेक अ डिजाइन एंड फिट अ स्ट्रक्चरल सिस्टम टू दैट। ठीक है, आपको एक 3D डिजाइन मिल जाएगी, उसके लिए सुटेबल कॉलम साइज, सुटेबल फुटिंग, सुटेबल बीम, सुटेबल रेनफोर्समेंट, सुटेबल स्लैब ये सब प्रोवाइड करेंगे। एक्सपर्ट विटनेस इन लॉ सूट्स, मतलब आप बायलॉस सॉरी आप आयुष कोड के अकॉर्डिंग आप प्रॉपर डिजाइन करके देंगे। तो एक स्ट्रक्चर इंजीनियर का पहला काम क्या है गाइस, आईएस कोड के अकॉर्डिंग सुटेबल स्ट्रक्चरल सिस्टम, स्ट्रक्चरल प्रोग्राम बना के देगा विद द हेल्प ऑफ स्टैड एटेप्स एंड मेनी अदर सॉफ्टवेयर। दूसरा काम क्या है स्ट्रक्चर इंजीनियर का गाइस, इंस्पेक्टर करने का। इंस्पेक्टर मतलब क्या होता है गाइस, जांच करने का। ठीक है, क्या जांच करते हो आप लोग, आप फील्ड पे जाते हो। ठीक है, जो आपने डिजाइन दिया हुआ है डिजाइन करके, क्या आपने मतलब आपकी कंपनी भी दे सकती है, आप भी दे सकते हैं। ठीक है, जो भी आपने डिजाइन दिया हुआ है उस डिजाइन में जितना रेनफोर्समेंट डाला है क्या उतना ही रेनफोर्समेंट है। ठीक है, उसके लिए एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, जितना स्पेसिंग्स आपने स्ट्रक्चरल ड्राइंग में प्रोवाइड की थी क्या उतना ही स्पेसिंग्स इसके अंदर है। ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करते हैं, क्या जो हमने मटेरियल दिया था M25 वही डिजाइन हो रहा है, क्या Fe 500 ही स्टील यूज हो रहा है। ठीक है, तो पहला काम एज अ कंसल्टेंट आपका डिजाइन करने का होता है, दूसरा काम इंस्पेक्टर यानी जांच करने का होता है, तीसरा काम होता है कि स्ट्रक्चर इंजीनियर का डिमोलिश करने में हेल्प करे। डिमोलिश किस चीज का, डिबिल्डिंग डिकंस्ट्रक्शन का, स्ट्रक्चरल रेट्रोफिटिंग का, मतलब रिपेयर भी किया जा सकता है और अगर डिमोलिश हो रहा है तो उसको कैसे सेफ तरीके से, सेफली तरीके से उसको डिमोलिश किया जाए, इसके लिए भी स्ट्रक्चर इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। तो एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर आपका काम एज अ कंसल्टेंट है, एज अ इंस्पेक्टर है, एज अ डिमोलिशन इंजीनियर है। ठीक है, ये तीनों ही काम आपके अंडर में होता है। करते क्या हो आप, डिजाइन क्या करते हो, तो देखिए गाइस एक स्ट्रक्चर इंजीनियर की अगर बात करें तो सिस्टम डिजाइन टू रजिस्ट द सपोर्ट लोडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूट द एनर्जी। आपका काम क्या है, अ सिस्टम एक सिस्टम बनाते हो डिजाइन टू रजिस्ट, जिससे आप रजिस्ट कर सको और सपोर्ट लगा सको दे सको लोडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूट एनर्जी, किस चीज के लिए, या तो बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स के लिए, नॉन बिल्डिंग स्ट्रक्चर के लिए। हम लोग की जो ये 4 मंथ की इंटर्नशिप है गाइस, इसमें हम लोग बिल्डिंग स्ट्रक्चर से रूबरू होंगे, जिसमें हाउसेस, स्कैपर्स, एनी डिजाइन फॉर द कंटिन्यूअस ह्यूमन ऑक्यूपेशंस, इसके रिलेटेड हम लोग 4 महीने में सीखने वाले। एक और स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग है जो कि नॉन बिल्डिंग में, जिसमें टनल आता है, ब्रिज आता है, डैम आता है, उस पार्ट में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि नंबर ऑफ जॉब्स ऊपर वाले पार्ट में ज्यादा है एज कम्पेयर टू नीचे वाले जॉब। ठीक है, तो इसी की 4 महीने हम लोग एक एक करके पढ़ाई करने वाले हैं, जिसमें हम लोग इसमें बिल्डिंग्स से रिलेटेड चीज़ों को देखेंगे और क्या बोलते हैं कैसे कैसे हाई राइज बिल्डिंग्स बनाएंगे उसके बारे में पढ़ेंगे, ऐसी बिल्डिंग बनाएंगे जिसमें जिसकी इफिशियंसी भी अच्छी हो, इकोनॉमी बजट भी अच्छा हो, एलिगेंस मतलब लुक भी अच्छा हो, तीनों चीज़ मिला के जो प्रॉपर सही तरीका हो सकता है उस तरीके से हम लोग अपने डिज़ाइन को एक्यूरेट करने का प्रयास करेंगे। और जितना अच्छा कंक्रीट डिज़ाइन, स्टील डिज़ाइन आप कर सकते हो वो इस 4 महीने में करेंगे, प्लस कोशिश करेंगे कि नए नए मटेरियल के अकॉर्डिंग, मतलब नए मटेरियल को भी यूज किया जाए उसके अंदर। ठीक है, तो जिससे कि आपकी बेहतर से बेहतर डिजाइन हो। अब इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ना है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी कॉन्सेप्ट पे नहीं जाएंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि अभी कन्फ्यूज नहीं होना है, जस्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कौन कौन सी कंपनियां हैं इस इंडस्ट्री में जो वर्क कर रही हैं, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे जो अभी आप देख रहे हो। ठीक है, तो इसकी भी हमें जरूरत नहीं है। हाँ, तो
एक हम लोग देखना चाहेंगे कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स जो होते हैं उनकी सैलरी और इंडिया क्या है, ठीक है। तो एक एवरेज सैलरी की बात किया जाए तो गाइस 4.2 है, ठीक है। अब ये एवरेज है, इट मे बी स्टार्ट फ्रॉम 2.1 और मे बी 10 लाख, मे बी बिटवीन दैट, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज आप 4.2 LPA का पैकेज इंडिया के अंदर ले सकते हो, जिसमें अलग अलग कंपनियां अपनी अलग अलग पैकेज देती हैं, जैसे कि दिल्ली बिल्ड कौन है लगभग 4.6 के आसपास, जी आर इंफ्रा है 3.9, एपको है, उसके बाद एच जी इंफ्रा इंजीनियरिंग है, दार ग्रुप है। ये लिस्ट आपको बहुत काम करेंगे फ्यूचर में, क्योंकि इन्हीं लिस्ट को दिखा के इनके वेबसाइट पर जाके आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है। लेजर एंड टर्बो है, 5 लाख गायत्री प्रोजेक्ट है, मेगा इंजीनियरिंग्स करके हैं, उसके बाद दिनेश चंद्र अग्रवाल की प्रोजेक्ट कंपनी है, साधव इंजीनियरिंग है, ए कॉम बहुत अच्छी कंपनी है 7.5, मैकडोनल्ड बहुत ही अच्छी कंपनी है 6.7, ठीक है। मोरिज्म है, WSP है, ठीक है, भी बहुत अच्छी कंपनी, फेमस है, ठीक है। और उसके बाद आपका एटकिंस बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। ये सारी कंपनियां जो आप देख रहे हैं ये सब स्ट्रक्चर की लगभग 300 कंपनियों की लिस्ट है आपके सामने, ठीक है। तो अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन किया, आप ये 300 कंपनियां आप ही के लिए हैं गाइज, इनको प्रॉपर आपको अच्छे तरीके से इनके लिए स्टडी करना है, इनको क्या क्या लगता है वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। सिर्फ आप फॉलो करिएगा, और फॉलो कैसे करना है प्रेजेंट, ठीक है। तो हाँ जी, कोई माइक और पूछना चाह रहे हैं सर? ये पूछना चाह रहे हैं सर कि ये जो आप दिखा रहे हैं सर, रेजिडेंशियल बिल्डिंग ही बनाती हैं या ब्रिजेस वगैरह बनाती हैं? तो आप बोले थे कि ब्रिजेस में हम जाएंगे नहीं, ये जितनी है ये सभी बिल्डिंग्स का काम जरूर करती हैं, इसके अलावा वो ब्रिजेस कर रही हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है। हम जितनी कंपनियां देख रहे हैं जैसे बैक्टेल है, ठीक है, बैक्टेल में हमारे बच्चे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी जो है ये बिल्डिंग का काम कर रही है। क्या होता है जब कंपनी बड़ी हो जाती है तो वो अपने अलग अलग सेक्टर्स भी ओपन कर लेते हैं, वो ब्रिज भी करेंगे, वो पीईवी भी करेंगे, वो बीआईएम भी, अभी बैक्टेल जो है बीआईएम का भी प्रोजेक्ट करती है, ठीक है। बट तो हमें अपने सर स्ट्रक्चर हमारा ये के लिए देख रहे हैं। सर हमारा ये क्वेश्चन था सर, स्ट्रक्चर में सर ब्रिजेस भी आते हैं तो थोड़ा बहुत ओवरव्यू तो मिलेगा स्ट्रक्चर हाँ ब्रिजेस का। ठीक है, देखो कैसे होता है, ओवरव्यू की बात नहीं होती है, शायद आप लेट आए हैं मुझे लगता है ना, जी ठीक। सर अभी हम आपके क्वेश्चन का आंसर लास्ट में देते हैं, थोड़ा रुक जाइए, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर गाइस इससे वेक्टेल है, ठीक है, ASNI है, ठीक है, उसके बाद JW है, ठीक है, वेल्सन है, ठीक है, उसके बाद आपके GSW है, ठीक है, उसके बाद रोहन बिल्डर्स है, उसके बाद ये सारी जितनी कंपनियां गाइस, इन सभी को स्ट्रक्चर इंजीनियर चाहिए होते हैं, और ऑन एन एवरेज पैकेज आप इनके देख ही रहे हो कि क्या क्या पैकेजेस इनके लगने वाले हैं, ठीक है। कोबी बहुत ही अच्छी कंपनी है गाइस, ठीक है। तो ऐसी कंपनीज में आपको धीरे धीरे करके अगर अप्लाई करते हैं, आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, हम आपको बताएंगे, जिससे आपको पता चले कि हमारी इंडस्ट्री में कौन कौन सी कंपनियां हैं, उनकी पूरी लिस्ट मैंने आपको दिखा दिया। ये कुछ जो मेजर कंपनी है, छोटी मोटी कंपनियां मैंने यहाँ पर बिल्कुल डाला ही नहीं है, छोटी कंपनियां बहुत हो सकती हैं, ठीक है। चलिए अब आपके क्वेश्चंस का आंसर कर दिया जाता है, ठीक है। देखो क्या होता है कि सबसे पहली चीज़ कि मेहताब इसमें क्या होता है कि अगर आप बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर ही एंट्री करते हो ना, तो अभी आपको पता चलेगा कि कितना कुछ पढ़ना पड़ता है इसी इंडस्ट्री के अंदर। क्यों? IS 875 के पांच पांच पार्ट है, IS 1893 के पार्ट्स हैं, ठीक है, पांच पार्ट्स हैं, IS 456 है, IS 13920, SP 16 है, SP 34 है, ठीक है। इनको पढ़ते पढ़ते आपको बिल्डिंग इंडस्ट्री को ही 4 महीने में आराम से निकल जाएगा। रही बात ओवरव्यू की, तो ओवरव्यू तो ऑलरेडी हम देते ही हैं, बट याद रखिए कि ओवरव्यू से सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। हमें सिलेक्शन के लिए चाहिए डेप्थ नॉलेज, और मैं एक क्लास के अंदर भी आपको कमिटमेंट देता हूँ गाइस, अगर आपने अपने 100% क्या बोलते हैं अटेंडेंस दे दिया हमारे, अभी आपने उसमें कंपनी में देखा है, रैमबॉल कंपनी थी जिसका एवरेज पैकेज बहुत हाई था। अभी हमारे प्रीवियस बैच में एक नरेंद्र करके बच्चा था, बहुत ही कंसिस्टेंट बच्चा था, रैमबॉल कंपनी में सिलेक्शन हुआ, और जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, जस्ट इवन ट्रेनिंग होते होते हो गया, ठीक है। कैसे? कंसिस्टेंसी से उसने मेहनत तरीके से सीखा उस चीज को। यस फिरोज कुछ बोलना चाह रहे हैं शायद, यस फिरोज बोलिए। सॉरी सर, मिस नथिंग सर। कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है। तो आप बस कंसिस्टेंट रहिए, आपको बिल्डिंग के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा जो आपको ना पता हो। अभी जैसे ब्रिज के अंदर भी जाना है तो ब्रिज के अंदर भी आप जा सकते हो, ठीक है। उसके लिए फिर आपको पूरा उसका रोटेट अलग है, उसके अंदर IRC के नॉर्म से, ठीक है, उसके अंदर CSI ब्रिज करके सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसका जो कर्वेचर्स है उसकी डिजाइन पूरी अलग होती है, ठीक है। बिल्डिंग के जो पूरा सेक्टर है ये पूरी एक अलग इंडस्ट्री है गाइस, जिसको हम लोग डेप्थ में जहाँ पर बचे ना, मतलब आपके लिमिट पर जहाँ ना बचे वहां तक हम लोग पहुंचेंगे। अब होप सो कि आप लोग उस चीज के लिए
जितना ढेर सारा असाइनमेंट्स करेंगे, जितना ढेर सारा कंसिस्टेंसी दिखाएंगे, कंसिस्टेंसी क्या दिखाना है, ऑन टाइम जितना प्रोजेक्ट दिया जाए करते जाइएगा बस, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। 4 मंथ में आपको जितना भी मैंने इस 10-12 साल के करियर में सीखा हुआ है वो सब आपको निचोड़ के देने की प्रयास किया जाएगा, ठीक है। एनी अदर डाउट, किसी कुछ डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज ऑटोकैड इंस्टॉल कर लीजिए, कल से हम अपनी जर्नी को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। किसी कुछ डाउट है तो हैंड रेज कर सकते हो गाइस, यहाँ पर हैंड रेज ऑप्शन है, ठीक है। एक डाउट ले लेते हैं आशुतोष का, फिर प्रवीर का लेते हैं। यस आशुतोष बोलिए। सर ये कह रहे थे कि फ्रीलांसिंग और अपनी खुद की कंसल्टेंसी के बारे में बताएंगे। 100% वो तो बताना ही बताना है, इवन आपको लाइसेंस के बारे में भी बताएंगे, कैसे फ्रीलांसिंग करते हैं वो भी बताएंगे, कोटेशन कैसे देते हैं ये भी बताएंगे, इवन अपनी कंपनी, क्योंकि हमारा भी फॉर्म जो है वो भी स्ट्रक्चर कंसल्टेंसी का फॉर्म है, ठीक है। तो कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन खोलना है उसके बारे में डेप्थ नॉलेज आपको देंगे एकदम प्रैक्टिकल लेवल पे, ठीक है। तो उसको बिल्कुल टेस्ट ओके जी, ठीक है, बट बिल्डिंग का चलेगा। प्रवीर जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? ओके जी, प्रवीर जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर एक्चुअली मेरे को जानना था अभी और जो ये स्ट्रक्चर वर्क में जो सॉफ्टवेयर वर्क है यूज होने वाला है, हाँ। इसके लिए सर क्या कॉन्फ़िगरेशन वाला लैपटॉप लगेगा या डेस्कटॉप लगेगा? लोएस्ट अगर बोलूं 8 GB रैम, 2 GB ग्राफिक्स कार्ड इज सफिशिएंट, ठीक है। 8 GB रैम, 2 GB ग्राफिक्स कार्ड, इससे आपका काम हो जाएगा। अब इसके ऊपर है तो आपको ही पता है कि अच्छा ही है ना, बट इतने से आपका काम जी, हो जी, जाएगा जी। इसका कोई टेंशन नहीं। इवन ग्राफिक्स कार्ड नहीं भी होगा तो भी काम हो जाएगा, बट अगर आप परचेस कर रहे हो तो ग्राफिक्स कार्ड वाला परचेस करिएगा, क्योंकि रैबिट एक्चुअली सर मेरे पास एक है लैपटॉप जो कि ओल्ड वर्जन में है, उसमें ग्राफिक्स नहीं है लेकिन 4 GB रैम है। 4 GB बढ़वा दीजिए, क्योंकि क्या होगा ना, जब जैसे कि अभी आप जब हाई रेंज बिल्डिंग बनाओगे ना तो हैंग करता है, छोटी बिल्डिंग्स में कोई दिक्कत नहीं होगा। ग्राफिक्स का अभी इशू नहीं पड़ेगा, अभी ये कोर्स में ग्राफिक्स का इशू, ग्राफिक्स अगर आप रखेंगे तो लास्ट में आपको हेल्प मिलेगा, वैसे आप परचेज मत करिएगा, काम हो जाएगा आपका। जी जी थैंक यू। ओके जी, ओके सर, सर सॉरी यार, सरवारी जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ सर, वो मेरा लैपटॉप का ही क्वेश्चन था, हाँ। बट उसके बाद मेरा एक भी क्वेश्चन है कि सर आपने ये जो कंपनी दिखाई हमें अभी स्क्रीन पे, करेक्ट, तो मतलब L&T वगैरह जैसी कंपनीज हुई, उनको उनकी क्या डिमांड होती है कि उनको एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तो क्या हम इस इंटर्नशिप की एक्सपीरियंस पे वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। देखो क्या होता है, किसी भी कंपनी को उनकी रिक्वायरमेंट्स मैच करनी होती है, ठीक है। उसमें जो ओवर एक्सपीरियंस कंपनी होगी डेफिनेटली हम वहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे उसमें आपको देखना है कि जो कंपनीज को स्टैंड और ETF का अच्छा नॉलेज चाहिए, ठीक है, उसके लिए आपके पास जो एलिजिबिलिटी उनको क्या क्या चाहिए उसके अंदर वो मुझे पता है, हम आपको बता देंगे, वो कीवर्ड्स में आप डाल देंगे ETFs में, आपकी शॉर्ट लिस्टिंग भी हो जाएगी। एट द लास्ट आपको इंटरव्यू क्रैक करने के लिए उनके पास जाना पड़ेगा, अगर इंटरव्यू होता है तो आप, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 6 मंथ का इंटर्नशिप सर्टिफिकेट इसीलिए दिया जाता है। ओके जी, यस जयश्री, ऑल द सॉफ्टवेयर वी आर गोइंग टू टीच यू, ठीक है। गौरी, यू वांट टू आस्क समथिंग? सर प्रशांत बात कर रहा हूँ, ये मेरी मदर का फोन है। सो सर मेरा एक क्वेश्चन था कि अल्पेश सर से मेरी बात हुई थी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके रिगार्डिंग, तो कल मैं 3-4 आवर्स तक मैं ट्राई करता रहा, बट जो सर गेट इन टू द PC करके उन्होंने जो मेरे को लिंक दिया था, पर सर वो मेरा लैपटॉप जो है उसको आधा इंस्टॉल होने के बाद रोक दे रहा था, क्योंकि मैक कैफे और विंडो डिफेंडर उसे सेट नहीं कर रहा था सर। तो सर उसकी बात कैसे इंस्टॉल कर पाएंगे या फिर एनी टेस्ट से आप हेल्प दे पाएंगे तो सर कोई बेहतर है। अभी आपको ना एक हेल्प नंबर दे देंगे, उस नंबर पे कांटेक्ट करके आप कर लीजिएगा, जब वहां से नहीं हो पाएगा, ठीक है, फिलहाल हमारी टीम है, अगर नहीं हो पाएगा तो हम आपको गाइड करेंगे, ठीक है, फिर हम मॉर्निंग में आपको हेल्प कर देंगे, ठीक। थैंक यू सर। ओके, ग्रुप में भी नंबर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। ओके जी, और किसी कोई डाउट है गाइस, कोई क्वेश्चन है आपको? जो लोग थोड़ा लेट में आए हैं एक बार लेक्चर को स्टार्टिंग से 5-10 मिनट देख लेना, अभी आपको 1 घंटे के अंदर लेक्चर आपके ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। आज कुछ पढ़ाया नहीं है, जस्ट हम लोगों ने समझा कि कैसे कैसे करना है। अब कल क्लास करके मतलब ऑटोकैड का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे हम लोग, उसके बाद थोड़ा सा वर्क असाइनमेंट्स मिलेगा आपको, फिर धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 3-4 दिन रिलैक्स होकर चलेंगे, कोई आपको परेशान नहीं करेंगे, ठीक है। 3-4 दिन के बाद धीरे धीरे हम लोग अपने लेवल्स को बढ़ाएंगे। दीपांशु, वांट टू सम आ समथिंग? यस दीपांशु, हेलो। यस दीपांशु, यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी।
सर ये मैं बोल रहा था कि सर एक तो लेट हो जाता है हम लोग को साइड से आने में, और आप वो दूसरा कैसे क्वेश्चन ट्रैवलिंग था कैसे सर, करते हो? सर बाय ट्रेन सर, मुंबई में ही। लोकल? या सर हाँ लोकल में तो पॉसिबल नहीं है, मोबाइल निकाल के भी चले जाएंगे तो भी दिक्कत हो जाएगी। बराबर सर, बराबर, इसलिए सर प्रॉब्लम तो होती है। तन सर क्या करूंगा, मतलब रिकॉर्डेड कितने लेक्चर कितने में तक सर, पहुंच जाते हो आप उससे जनरली? हार्डली तो 8 बजे बज ही जाता है सर ओके, मोस्ट। अगर 7:30 तक होने का कुछ है कुछ, क्योंकि नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग जाएगी आपकी। मैं तो हमेशा कोशिश करता हूँ कि 5 बजे ही निकल जाऊँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है अच्छा, कंपनी की तरफ से पॉसिबल नहीं है, जी सर। ठीक है चलो रिकॉर्डिंग करना। कुछ भी रहे तो आप दूसरे दिन 8:30 से 8:30 के बीच में जो भी समय बचता, जितने डाउट रहे सब पूछ लेना। ओके सर, और सर एक और क्वेश्चन था सर, ये जैसे मैं अभी साइट इंजीनियर का कर रहा हूँ, करेक्ट, देन उसके आगे सर करियर में क्या स्ट्रक्चरल से ग्रोथ या फिर और किसी थ्रू में कैसे जाऊंगा, क्योंकि ये कंसल्टेंट में ये तो ऑफिस वर्क हो गया ना। हाँ देखो दीपांशु, क्या है ना कि जो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग जॉब होती है हमेशा व्हाइट कॉलर जॉब होती है, ठीक है। एक बराबर स्ट्रक्चर इंजीनियर मतलब एक्चुअली सिविल इंजीनियर से बात करना, ठीक है। उसके बाद जो कोर नॉलेज होता है ना वो बहुत डेप्थ होता है, ठीक है। तो ये कैसी प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल में आप जॉब तो जॉब करोगे ही करोगे, इसके अलावा आप जहाँ पर भी रहोगे 10 आर्किटेक्ट आपके पास खुद ही आएंगे, भाई मैं ये चाहता हूँ, ये मेरा 3D ऐसा कुछ, इसके लिए स्ट्रक्चरल डिज़ाइन कर दो, ठीक है। तो इसके लिए फ्रीलांसिंग पर्याप्त है, इसके लिए आप खुद का भी फॉर्म खोल दिए तो एक स्ट्रक्चर इंजीनियर के पास काम की कमी नहीं रहेगी, पर्याप्त काम आपको जस्ट डायल और इंडिया मार्ट जैसे सोशल मीडिया से, मैं आगे बताऊंगा कैसे करते हैं, ठीक है, तो उससे आ सकता है। तो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग हमेशा एक मजेदार जो प्रोफाइल होती है, और इसमें जो पैसे होते हैं ना वो लॉन्ग टर्म बहुत ज्यादा होते हैं। एक अच्छा स्ट्रक्चर इंजीनियर जो होता है वो 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए मंथली, इवन मोर देन दैट, ठीक है, वो अर्न करता है। कैसे? क्योंकि उसके पास इतने काम होते हैं ना कि लगभग शहर के जितने आर्किटेक्ट होंगे 3D बनाने वाले बहुत मिल जाएंगे, एक्चुअल जो स्ट्रक्चर इंजीनियर स्ट्रक्चर डिजाइन करने वाले हैं बहुत लिमिटेड होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये प्रोफाइल हमेशा व्हाइट कॉलर प्लस लॉन्ग टर्म के लिए, जस्ट लाइक लॉयर होता ही है। लॉयर कैसे होते हैं, एक क्लाइंट मिला, अब उसका कोई रिश्तेदार लड़ाई करेगा वो भी फिर से आएगा, उसके रिश्तेदार का रिश्तेदार भी आएगा, चलो भाई मेरे वकील साहब है, मेरे वकील साहब है, समझ रहे हो। ऐसे ही एक आर्किटेक्ट का कोई स्ट्रक्चर इंजीनियर बन गया, सॉरी बन गया, तो क्या बोलते हैं उसकी जितनी टीम होगी 10 आर्किटेक्ट हैं, बोलेंगे वो सर है ना उनसे कॉन्टेक्ट कर लो। तो स्ट्रक्चर जी इंजीनियरिंग जितना आप ओल्ड होते जाते हो उतना ज्यादा आपके पास प्रोजेक्ट आता चला जाता है, ठीक है। जी ओके, मेहनत करना, थोड़ा सा मेहनत लगेगा, बट अगर तुम 3 महीने तक मैक्स टू मैक्स कर दिए तो दूसरे महीने से रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाएगा दोस्त, ठीक है। बराबर सर, ओके जी, मैं थैंक ओके जी मेहताब कुछ पूछना चाह रहे थे? यस मेहताब बोलिए। ठीक है सर, हमारा क्वेश्चन ये था कि जैसे स्ट्रक्चर इंजीनियर जो होते हैं अथॉरिटी के, जैसे मान लीजिए ग्रेटर नोएडा के, तो हमको अपना रजिस्ट्रेशन के लिए 3 या 4 साल का एक्सपीरियंस दिखाना पड़ता है, ठीक है सर। नहीं, इसमें तो से अगर हम किसी डिग्री है आपके किसी पास कंपनी का सर मास्टर? एक्सपीरियंस हो? जी, हाँ बोलिए 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 सर, क्वेश्चन पूरा हो जाएगा हाँ सर। ये है कि 3 या एक्सपीरियंस दिखाना पड़ता है किसी स्ट्रक्चर के इंजीनियर जो ऑथराइज्ड हो, जिसका हाँ लाइसेंस पहले से हो, उसके अंडर में काम रहेगा, ठीक है। करेक्ट, अगर हम किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो क्या उसका बेनिफिट मिलेगा, वो एक्सपीरियंस फाउंड होगा या हमें स्ट्रक्चर इंजीनियर के अंडर ही रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं कुछ है? नहीं समझे, मतलब जॉब का पर्सनल एक्सपीरियंस से पूछ रहे हो कंपैरिजन? जी सर, हम ये किसी स्ट्रक्चर इंजीनियर के अंडर में काम कर रहे हैं, ठीक है सर, हाँ हाँ वो अथोराइज्ड है, हाँ उसका लाइसेंस बना हुआ है, ठीक है, हाँ वो तो एक्सपीरियंस फाउंड होता है। अगर हम किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो वो हमारा अथॉरिटी में, जैसे जब हम लाइसेंस लेने जाएंगे तो वो एक्सपीरियंस काउंट होगा बिल्कुल क्या? बिल्कुल होगा, क्योंकि आप स्ट्रक्चर फॉर्म में आप काम कर रहे हो ना, तो 100% एक्सपीरियंस काउंट होगा आपका, ठीक है। वो फॉर्म एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म था, छोटे फॉर्म में काम कर रहे थे, फिर बाद में बड़े फॉर्म में करने लगे आप, तो कर तो रहे स्ट्रक्चर का ही काम ना, तो आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा, ठीक है। उसका लाइसेंस प्रोसेस भी मैं बताऊंगा, तो टेंशन मत लीजिए, लाइसेंस का सारा स्टेप मैं आपको क्लास के अंदर ही बताऊंगा, ठीक है। चलिए ठीक है गाइस, फिर हम लोग कल से ऑटो कैट की अपनी थैंक यू सर। ओके जी बिगिनिंग स्टार्ट करेंगे ऑटो कैट का, 0 से करेंगे। अगर एक दो लोगों को थोड़ा बहुत आता होगा तो टेंशन मत लेना, 1-2 दिन के बाद आपको लगेगा कि हाँ यार ये चीज मुझे नहीं आती, सर ये मेरे लिए नया होगा। हाँ जी बोलिए। सर लास्ट क्वेश्चन सर, हाँ जी सर, अगर आजकल में कोई डाउट होता तो व्हाट्सएप ग्रुप पे इसी पे, यस मतलब यस अगर व्हाट्सएप जो कोई इसी, आपका है। देखो
जुलाई वाला, उसी पे मैसेज इसी करें या किसी दूसरे व्हाट्सएप इसी 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 पे? व्हाट्सएप पर करना है। और क्या बोलते हैं, पहली बात तो आपके अभी तो डाउट नहीं है, जब क्लास स्टार्ट होगी तभी डाउट आएगा। और ठीक जी है, सर। और क्या बोलते हैं, जो भी डाउट, वैसे डाउट तो हम डेली क्लास में कर ही रहे हैं, कुछ बच जाता है भी कर भी आस। ठीक है, थैंक यू सर। ओके जी, ठीक है, चलिए, ठीक है गाइस। तो हम लोग कल से अपनी ऑटोकैड की बिगिनिंग करेंगे। सभी लोग अपने सॉफ्टवेयर के साथ रेडी रहना, क्योंकि क्या होता है कि अगर एक दिन का भी काम छूटा ना, तो दूसरे दिन डबल काम हो जाता है, तीसरे दिन ट्रिपल काम। तो इसकी सबसे अच्छी प्रैक्टिस क्या होती है, उसी दिन उस दिन का काम खत्म, उसी दिन उस दिन का काम खत्म, फिर आपको कभी हैट्रिक नहीं जाएगा। फिर हाल अच्छी बात है कि अभी आपको, अभी तो सैटरडे संडे तक समय है, मंडे से एक स्पीड आएगी, ठीक है, जो थोड़ी सी आपको करेगा। आज आपको एक बेसिक सिविल इंजीनियरिंग पार्ट वन करके एक पीडीएफ मिलेगा, बस उस पीडीएफ को पढ़िएगा, कुछ ज्यादा नहीं रहेगा उसमें। उसमें जैसे कवर क्या होता है, मिक्स प्रोपोर्शन, ऐसी चीजें रहेंगी, कॉलम का टाइप, बीम का टाइप, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग पार्ट वन रहेगा, जिसको आज आपको पढ़ना है। ठीक है जी, ग्रुप के अंदर आ जाएगा, बाकी हम लोग कल करेंगे। ठीक है गाइस, चलिए, सी यू टुमारो।